लुटेरी दुल्हन। एक लड़की के मन में किसी की दुल्हन बनने को लेकर सैकड़ों सपने उमड़ते हैं। काम्या दुल्हन का दामन थामे फूलों से सजी सेज पर बैठी हुई थी, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कमरे में चला आ रहा उसका पति मुंगेर काम्या के होठ हिलते देख कहता है, अरे क्या बुदबुदा रही हो मेरी जाने गुलजार। काम्या मुंगेर की ओर एक टक ताक कर नजरें नीची कर लेती है। मुंगेर जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश करता है, वो दूध से भरा गिलास उसकी ओर बढ़ाकर कहती है, इतनी हड़बड़ी मत जताइए। अरे मुझे तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा। अब देखो ना, तकरीबन 48 घंटे पहले हम तुम मिले, 2 दिन में तुमसे बेशुमार प्यार हो गया और अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब तो सारी उम्र आपकी जीवन संगनी बनकर ही गुजरना है। चलिए फटाफट से ये दूध पी लीजिए मेरी खातिर। मुंगेर जैसे ही दूध की घूंट गले से नीचे उतारता है, उसकी आंखें बोझिल होने के साथ वो बेहोश हो जाता है। लो भाई, दूल्हे राजा तो चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब मैं अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सकती हूँ। ये है काम्या एक ऐसी लड़की जो दुल्हन का भेष धर कर भोले भाले अमीर युवकों को प्यार के जाल में फंसा कर उनके संग शादी का स्वांग रचा कर उनका रुपया पैसा धन जेवर लूट लिया करती थी। ये उसकी खातिर पहली बार नहीं था। इससे पहले भी दुल्हन बनकर उसने न जाने कितनों को लूटा और कितनों को चूना लगाया था। इस बार वो मुंगेर का धन लूट कर फरार हो जाती है। जहाँ सारी दुनिया जी तोड़ मेहनत करके रोटी खाती है, वही मैं दिमाग की रोटी खाती हूँ। लड़कों को मूर्खचंद बनाकर उनसे शादी का ढोंग करके मैं लाखों में खेलती हूँ। आप मुझे नए शिकार के लिए निकलना चाहिए। सवेरे मुंगेर की आंख खुलने पर वो अचंभे में रह जाता है। अरे ये घर भंगार जैसा क्यों लग रहा है। उसकी नजर सीधे तिजोरी पर खाली पड़े कवर्ड पर जाती है। वो रोते बिलखते पुलिस स्टेशन पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। क्या तुमको उसका घर का कुछ अता पता है? अरे अगर मुझे रत्ती भर भी भनक होती कि वो एक लुटेरी दुल्हन है, तो मैं कभी उसके चंगुल में नहीं फंसता। मुंगेर को कंगाल बनाकर लुटेरी दुल्हन इस बार नए नाम और पहचान के साथ मुंबई आ पहुंचती है। अरे वाह, ये सपनों की नगरी मुंबई तो एकदम कमाल है। बस जल्दी से कोई पैसे वाला बकरा मिल जाए जिसे मैं हलाल कर सकूं। अचानक एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके आगे से गुजरती है, जिसमें हर्ष नाम का एक शख्स सवार होता है। यही बनेगा मेरा अगला शिकार। मुझे हर कदम फूक फूक कर धरने होंगे ताकि कोई भी मेरी जन्म कुंडली न निकाल सके। जैसे ही हर्ष गाड़ी से बाहर निकलता है, वो जानकर उसकी बाहों में आ गिरती है और शातिर मुस्कान देते हुए मन में कहती है, मेरे हॉट अंदाज से लड़के फ्लैट ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये था मेरा पहला पड़ाव। आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। मेरे डैडी एक पॉलिटिकल लीडर हैं। वो जबरन मेरी शादी करना चाहते हैं। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए। प्लीज हेल्प मी। भोला भाला हर्ष उसकी झूठी कहानी में बुरे तौर पर उलझ जाता है और उसे अपने घर ले आता है। हर्ष का बड़ा घर देखकर उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये घर है या पैलेस? कांग्रेचुलेशंस काम्या, तेरे हाथों बड़ा खजाना लगने वाला है। उस रात तेज तूफान उठता है। हर्ष के मन में कई लहरें उफान पर थी। काम्या हर्ष को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इससे पहले कि ये सभी दायरे पार करे, मुझे कुछ करना होगा। वो चालाकी से उसके ड्रिंक में तेज नशे की गोली मिला देती है, जिसे पीते ही हर्ष बेहोश हो जाता है। सवेरा होने पर वो अपने नाटक को अंजाम देते हुए कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? बट इट्स रॉन्ग। कल रात नशे में आकर तुमने मेरी इज्जत रौन डाली। कौन करेगा मुझसे शादी? छाया काम डाउन, भूल मुझसे हुई है। मैं तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आज ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हर्ष काम्या के मगरमच्छ के आंसू को देख वो कसूर जो उसने कभी किया ही नहीं था, खुद पर ओढ़कर उससे शादी रचा लेता है। और एक बार फिर वो लुटेरी दुल्हन अपने घिनौने मकसद को अंजाम देकर फरार हो जाती है। और इस बार वो विवेक नाम के एक शख्स से टकराती है, जो 5-स्टार होटल में मुख्य तौर पर शेफ होता है। देखने में तो ठीक ठाक है, अब ये शातिर शेरनी का शिकार तुम बनोगे मिस्टर विवेक। ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं खोने दूंगी। अब काम्या का सफर होटल से बावर्ची खाने तक तय होने लगा था। ये सब कुछ सिर्फ विवेक को प्यार के जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश थी। दोनों में दोस्ती से शुरुआत हुई, जो बेहद कम पलों में प्यार और फिर शादी में बदल गई।
सॉरी माँ, बिना आपकी मौजूदगी के हमने शादी कर ली। बेटा, शादी ब्याह संजोग की बात है। मुझे खुशी है कि तुझे तेरा मनचाहा साथी मिला है। लुटेरी दुल्हन के सच्चाई से अनजान दोनों उस पे बेशुमार प्यार लुटाते हैं। बहू, अब तो तू आ गई है तो इस घरबार की सारी जिम्मेदारी मैं तेरे हाथों सौंपती हूँ। ये रही तिजोरी की चाबियाँ। वसुधा का अपने भरोसेमंद स्वभाव देख काम्या कुछ घड़ी के खातिर भूल जाती है कि वो एक लुटेरन है। उस रात सभी के सो चुकने के बाद वो सारा रुपया पैसा लूटकर दबे पांव भाग रही थी कि उसकी चील की नजर बाहर खड़े ढेरों पुलिस और हवलदार पर जा पड़ती है। चप्पा चप्पा छान मारो, हेडक्वार्टर से पक्की खबर मिली है कि वो लुटेरन दुल्हन यही किसी क्षेत्र में है। काम्या के पांव जैसे वहीं जम जाते हैं और वो कहती है, पूरे शहर की पुलिस मुझे कुत्तों की जैसे खोज रही है। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मुझे इसी घर में रहना होगा। ये पहली बार था जब लुटेरन दुल्हन के शादी की रात का सफर सवेरे में ढलता है। उसे न सिर्फ सास का दुलार बल्कि पति का प्यार दोनों मिलता है। एक रोज उनके दूर के एक रिश्तेदार घर आते हैं। कैसी हो वसुधा बहन, ना कोई न्योता ना भोज, बेटे का ब्याह रचा लिया, बहू का चेहरा तो दिखाओ। वसुधा अपनी बहू को बाहर बुलाती है। बिजली उसे देख फट से पहचान लेती है। उसके जाते ही वो उसका राज उसके सामने खोलती है। इसकी सूरत जाने क्यों मुझे खटक रही है। अरे हाँ दक्ष, बेटा ये तो वही लुटेरी दुल्हन है ना जो शादी की रात दुल्हों की संपत्ति लूटकर फरार होती है। क्या बकती हो बिजली, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहू पर इतना बड़ा लांछन लगाने की। आंटी, माँ सच कह रही है, इस लुटेरन दुल्हन को पुलिस हर जगह तलाश कर रही है। ये सुन विवेक दक्ष का कॉलर पकड़ कर कहता है, निकल जा मेरे घर से, मुझे मेरी बीवी पर आंख बंद करके भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह वो उन्हें घर से भगा देते हैं, जिसे देख काम्या कहती है, इन्हें मुझ पे कितना भरोसा है, बिना मुझसे पूछताछ किए सासुमा और विवेक ने उनकी एक न सुनी। अब मैं खुद इन्हें सब सच बता दूंगी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। वो रात भर हिम्मत जोड़कर सवेरे उनके पास आकर कहती है, सासुमा मैंने आप दोनों से एक बहुत बड़ा सच छिपाया है, मैं ही वो लुटेरी दुल्हन हूँ जिसकी खबरें अखबार की सुर्खियों और पुलिस स्टेशन की दीवारों पर मौजूद हैं। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, पेट भरने के लिए चोरी चकारी भी सही, और बड़ी हुई तो दुल्हों को लूटना ही अपना पेशा बना लिया। पर यहाँ रहने के बाद मैंने रिश्ते नातों को समझा। इतने दिनों तुमने हमें धोखे में रखा, चली जाओ यहाँ से। विवेक जी, मरने वाले से भी एक बार उसकी मर्जी पूछी जाती है, मैं आपके संग जीना चाहती हूँ। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। काम्या अपने आप को पुलिस सरेंडर करती है। कुछ महीने अदालत में केस चलता है जिसके बाद उसे रिहाई मिल जाती है। अब काम्या अपना भूतकाल पूरी तरह भूल चुकी थी और विवेक के साथ नए सिरे से शादीशुदा संबंध कायम करके खुशहाल जीवन बिता रही थी। रामपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपनी माँ सुशीला के साथ रहती थी। अंजलि अब शादी के लायक हो चुकी थी और उसकी माँ अंजलि के लिए एक से एक लड़के को ढूंढने लगी। अगर उसको देखने वाला कोई भी आता या तो वो लड़का उसको रिजेक्ट कर देता था या फिर उसकी फैमिली उसको रिजेक्ट कर देती। इसके पीछे का रीजन था उसके लंबे बाल। उस लड़की के इतने लंबे बाल थे कि उसको लोग रिजेक्ट करके चले जाते, लेकिन वो लड़की अपने बालों की वजह से बेहद खूबसूरत लगती थी। ऐसे ही समय बीतता गया लेकिन अंजलि को कोई भी पसंद करके नहीं जा रहा था। वो बेचारी दुखी होते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ कहते हैं कि इस दुनिया में किसी न किसी के साथ हर किसी की जोड़ी बन के आती है, मेरी जोड़ी यहाँ पर नहीं है, क्या मेरे लिए ऐसा कोई भी लड़का नहीं बना जो मुझसे शादी कर सके। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा होगा और इसीलिए शायद अभी तक किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब तो चिंता मत कर, कल सुबह एक लड़का और तुझे देखने आ रहा है। अगले दिन अंश अपनी माँ सुनीता के साथ अंजलि के घर आता है और तब अंजलि अपने बालों को अच्छे से कवर करके ऊपर की तरफ बांध लेती है, जिससे कि उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि अंजलि के बाल काफी लंबे हैं। अंजलि बेहद खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती के चलते अंश और सुनीता ने अंजलि को पसंद कर लिया और अगले एक हफ्ते में सुनीता ने अपने बेटे अंश की शादी अंजलि से करवा दी। जब शादी की पहली रात अंजलि अपने कमरे में बैठी हुई थी तब वहां पर अंश आता है और उसका घूंघट हटाकर उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगता है। तभी उसके बाल खुल जाते हैं
जब वो देखता है कि अंजलि के बाल काफी लंबे, काले और घने थे, ये सब देख अंश बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हारे बाल इतने लंबे, मैं तो डर ही गया। उसकी ये बात सुनकर अंजलि रोने लगती है और अंजलि को रोता हुआ देख अंश उसके आंसू पोंछते हुए उससे बोलता है, अरे अरे अंजलि, क्या हुआ, क्या हो गया, तुम रोने क्यों लगी, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ बोला भी नहीं जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। अंश, मेरे इस लंबे बालों की वजह से ही मुझे कई लड़कों ने रिजेक्ट किया है। उन्हें मेरी खूबसूरती तो पसंद आती, लेकिन उन्हें मेरे लंबे बाल पसंद नहीं आते, और इसीलिए मेरे ना जाने कितने रिश्ते टूट गए। मैं और मेरी माँ, हम दोनों ने आपसे और मम्मी जी से ये बात छुपाई कि मेरे इतने लंबे बाल हैं। अरे अंजलि, तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है, तुम इनको आज के बाद बिल्कुल मत छुपाना। इतना कहकर अंश उसको गले से लगा लेता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब अंजलि अपने बालों को सवार कर अपने सास को चाय देती है, तब उसकी सास उसके इतने लंबे बाल देख हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, किसी लड़की के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? अगर किसी के इतने लंबे बाल हैं, तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। पर मम्मी जी, क्या हुआ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? धोखा, तेरी माँ ने हमसे धोखा किया है, तेरे इतने लंबे डायन जैसे बाल हैं, हमसे ये बात छुपाई गई। अपनी सास के ताने सुनकर अंजलि रोने लगती है और नीचे का शोर सुनकर अंश नीचे अपने घर के हॉल में आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, इस तरह शोर क्यों मचा रही हो, आखिर तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? बेटा देख, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें लड़की की जगह एक डायन दे दी है, तेरी शादी एक डायन से हुई है, लड़की से नहीं। माँ बस भी करो, अगर किसी लड़की के बाल लंबे हैं तो वो लड़की डायन नहीं होती। और अब बस भी करो, अब तुम अंजलि को कुछ भी नहीं बोलोगी। इतना कहकर अंश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसको देख सुनीता अपनी बहू के बाल खींचते हुए बोलती है, क्या रे, तूने तो एक रात में ही मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। मैं तुझे डायन सही बोल रही हूँ, तू सिर्फ डायन नाम की नहीं बल्कि काम की भी है। इतना कहकर सुनीता भी वहाँ से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी अंजलि रोते हुए घर का काम करने लगती है। ऐसे ही अब समय बीत जाता है, लेकिन अंजलि की सास ने आज तक उसको बहू नहीं समझा और वो आए दिन अंजलि के ऊपर अत्याचार करती रहती। कभी उसको मारती तो कभी उसको सताती, कभी उसके काम में कमी निकालती तो कभी उसे खाने में नमक मिर्च छिड़क कर उसे उल्टा सीधा बोल देती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अंजलि से बोलती है, अरे डायन, कहाँ है तू? अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि अपनी सास के पास आती है और बोलती है, बोलिए मम्मी जी, क्या बात है? तूने कसम खा रखी है क्या कि तू मुझे सुबह टाइम पर कभी भी चाय नहीं देगी? अंजलि कुछ नहीं बोलती और गर्दन झुकाए वहाँ से किचन में जाकर चुपचाप अपनी माँ के लिए चाय ले आती है। जैसे ही सुनीता अपने मुँह में चाय डालती है, तभी मुँह से वो चाय फेंक देती है और बोलती है, आए हाय, छी छी छी, इतनी गंदी चाय मैंने आज तक नहीं पी। तुझे तो अपने बाल सवारने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो तू चाय क्या बना कर देगी? रुक जा आज तू, मैं तेरे बालों को ही खत्म कर देती हूँ। सारी की सारी जड़ तेरे बाल है ना, ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। इतना कहकर सुनीता अंजलि के बालों को काट कर बिल्कुल छोटा छोटा कर देती है। ये देख अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अंश वापस अपने घर आता है, तब वो अंजलि को ऐसी हालत में पड़ा हुआ देख गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुमने अपनी बहू के सारे बालों को ऐसे काट दिया, जाओ जाकर उसकी हालत देखो, तुम्हें तो मुझे अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर अंजलि की जगह आज तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम क्या करती? सुनीता कुछ नहीं बोलती और अपनी चादर तानकर सोने लगती है। ये सब देखकर अंश को बहुत ही बुरा लगता है और वो अगली सुबह अपनी बीवी और अपने सामान के साथ घर छोड़कर जाने लगा। तभी वहां पर सुनीता आती है और उसको रोकती है, लेकिन अंश नहीं रुकता और वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ जाने लगता है। सुनीता भागते हुए आ रही थी कि तभी सुनीता का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ये देख अंजलि भागी हुई अपनी सास के पास जाती है और डॉक्टर को बुला लेती है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आता है तो वो सुनीता का इलाज कर देता है। ये सब देख कर कि उसके साथ इतना अत्याचार करने के बाद भी अंजलि उसकी इतनी सेवा कर रही है, सुनीता रोते हुए अंजलि से बोलती है, बहू, मैं
ने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। अंजलि अपनी सास को माफ कर देती है और अब सुनीता, अंश और अंजलि तीनों एक साथ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। गांव की चुड़ैल मनिहारन। सुलोचना एक बेहद मशहूर कांच की लाख की रंग बिरंगी चूड़ी बेचने वाली औरत थी, जिसकी पीठ पर एक कुबड़ निकला था। उसके पति रामवीर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए सुलोचना की चूड़ियों के व्यापार से ही घर का खर्चा चलता था। ऐसे ही एक दिन परेशानी के चलते रामवीर को दिल का दौरा पड़ता है और आकस्मिक उसकी मौत हो जाती है, जिससे सुलोचना टूट जाती है और कहती है, अजी आप मुझे छोड़कर क्यों गए, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। बेटा तुम परेशान मत हो, जिंदगी में तो ये सब होता रहता है, तुम जो करती हो वही करो, ये तो विधि का विधान था जो उसे एकदम से ले गया। आप सही कह रही हैं, पर मैं जिसके लिए जी रही थी वो तो है ही नहीं। अरे ये कुबड़ी का पति कैसे खत्म हो गया? पता नहीं, ये तो मुझे बता रहे थे कि रास्ते में अचानक से दिल का दौरा पड़ा और खत्म हो गया। अरे राम, रामवीर तो राम जी को प्यारा हो गया, अब बिन पति कैसे काम करेगी ये कुबड़ी। पता नहीं कैसे करेगी ये कुबड़, खैर हमें क्या। अरे तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो, सुलोचना नाम है उसका, ये कुबड़ कुबड़ क्या लगा रखा है, तमीज से बोलो नहीं तो चुप रहो। आंटी अब जो होगा वही बोलेंगे ना, इनके अंतिम संस्कार का वक्त हो गया, कृपया करके कोई इन्हें कंधा दे दीजिए। भीमा मोहन आओ, रामवीर को ले चले। ये क्या कर रहे हो आप, मत जाओ आप इसके साथ। और हाँ मोहन जी, आप भी नहीं जाएंगे, पता नहीं उसको छूने से आप बीमार हो जाओगे तो। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या, अरे किसी के दुखी वक्त में तो साथ दे दो ना, खुद करोगी ना मुझे जाने दोगी, हटो यहाँ से, चलो चारो। काशी की बात सुनकर गांव के आदमी रामवीर को कंधा दे देते हैं। सुलोचना का बहुत बुरा हाल हो गया था। वक्त बीतता है, सुलोचना पति के जाने के बाद फिर से चूड़ियों का काम शुरू कर देती है और बनाने लगती है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते हैं। ऐसे ही एक दिन रमा और कांता चूड़ी लेने आती हैं। अरे ओ कुबड़ी सुलोचना, जरा मुझे लाख की हरे रंग की चूड़ी दिखाना और मुझे गुलाबी धारी वाली कांच की। जी ये लीजिए। अच्छा दीदी मैं आपको कुछ बोलूं? आप ये कुबड़ी मत बोला करिए ना, सुनने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो रूप की रानी बोले क्या तुझे, कुबड़ी है तो कुबड़ी ही बोलेंगे ना। अरे चल चल ये ले पकड़ अपने पैसे, बड़ा ही हमें सिखाने वाली। दोनों हमेशा की तरह उसे कुबड़ी कहकर चली जाती। इस बात से सुलोचना के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर लोग सुलोचना की चूड़ियां दूर दूर से लेने आते थे। शाम के समय बाहर के दो टूरिस्ट औरतें उसके पास आकर कहती हैं, हे मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ये ब्यूटीफुल बैंगल्स मिल सकते हैं, आई लव्ड इट। जी ये लीजिए और चूड़ियां देखिए, लगता है आपको ये चूड़ियां बहुत पसंद है शायद। यस यस दिस बैंगल्स एंड दैट वन येलो ऑरेंज। जी मुझे समझ नहीं आया, आप खुद ही ले लीजिए इन चूड़ियों में से, ये दोनों अपनी मर्जी से जो कलर्स, योर गुलाबी पिंक ऑरेंज यू उठा लो। दोनों ही एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं और अपने मनपसंद चूड़ी को लेने के बाद दोनों टूरिस्ट वहां से उसकी बहुत सारी चूड़ियां लेकर चली जाती हैं। ऐसे ही शाम को मौसम बहुत खराब हो गया, इतना कि गांव में कुछ जगहों पर पानी भर गया। वहीं सुलोचना के घर के बाहर के खंभे से बारिश के कारण चिंगारी आ रही थी। तभी चिंगारी निकलने से उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है, जो धीरे धीरे फैल जाती है। सुलोचना चूड़ियां बनाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे बढ़ती आग का होश नहीं रहता। तभी आसपास के लोग निकल कर आते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी बीवियां रमा कांता फिर से आती हैं। अरे भाई लोग जल्दी आओ, कहीं सुलोचना बेचारी इस आग में झुलस न जाए, वो कैसे बाहर निकलेगी। अरे चलो आग बुझाते हैं और उसे लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, देख नहीं रहे कितनी आग लग गई है, कहीं आपको कुछ हो गया, जल गए तो। पर भाभी अगर हम नहीं गए तो उसके उसके लग जाएगी। रहने दो, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये खम्बा हिल रहा है, कहीं गिर गया तुम लोगों पर। कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी, इतने हाथ पैर हैं उसके। कोई है मुझे बचा लीजिए, यहाँ बहुत तेज आग लग गई है। कांता दीदी, रमा दीदी, मुनेश भाई, काशी, मोहन भाई बचा लो। सुलोचना सबको बचाने के लिए आवाज लगाती है पर कोई भी उसे बचाने नहीं आता। वहीं गांव की औरतें अपने पति का हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें जाने नहीं देती।
इतने में वो बिजली का खंभा उसकी झोपड़ी पर गिर जाता है, जिससे उसी क्षण सुलोचना की मृत्यु हो जाती है। तुरंत ही वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और कहती है, गाँव वालों, तुम सब बुत बनकर सब देखते रहे ना, कोई मुझे बचाने नहीं आया। इतनी आवाज लगाने पर भी और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी एक एक को। ये बोलते ही चुड़ैल खुद को एक सुंदर औरत में बदल देती है, जिसके बाद उसका कुबड़ भी गायब हो जाता है और अपनी बनी चूड़ियों को एक ठेले पर लेकर गली गली चूड़ियाँ बेचने लगती हैं। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, हरी नीली पीली गुलाबी लच्छा चूड़ी ले लो, कट वाली चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। अरे जरा मुझे ये लाल चूड़ी देना। अरे लीजिए लीजिए, खास तपा कर बनाया है। अरे ये तो मुझ पर चढ़ ही नहीं रही, लाइए मैं आपको पहना देती हूँ। सब दिख रहा है मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, तूने मुझे बहुत कुबड़ी बोला था ना, तू भी ऐसे ही बन जाएगी। इस तरह चुड़ैल रमा को अपने हाथ से चूड़ी पहना देती है, जिसके बाद उसका कोबर निकल जाता है और वो घर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे कांता मिलती है और कहती है, अरे अरे रमा, तेरी पीठ पर क्या हो गया, अचानक कुबड़ कैसे निकल आया, क्या बकवास कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी रमा अपनी पीठ छूकर देखती है तो उसे कुबड़ महसूस होता है, ये देखकर वो रोती है। हाय रब्बा, बनाई मुझे कैसे हो गया, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, सब मुझे भी कुबड़ कुबड़ बोलेंगे। तू परेशान हो तो डॉक्टर को दिखा दियो। रोते हुए रमा अपने घर जाती है तो उसका पति बोलता है, अरे देख लिया भगवान, जो दूसरों का ऐसे बोलते हैं एक दिन उसी के साथ ये सब हो जाता है। तुम सुलोचना को ऐसे ही बोलती थी ना, देखो भगवान ने तुम्हारे साथ क्या किया। मोहन जी मुझसे गलती हो गई, काश मैंने सुलोचना को ऐसा ना बोला होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता, मैं बहुत पछता रही हूँ और कितनी गंदी लग रही हूँ। इसी तरह चुड़ैल किसी के पति को मार देती है तो उन औरतों को चूड़ी पहनाकर कुबड़ बना देती है। जगह जगह गाँव में ये सारी बातें होने लगती है। तभी कांता भी उससे चूड़ी खरीदती है और जब कांता भी कुबड़ बन जाती है तो चुड़ैल अपने रोज असली रूप में आकर कहती है, देख कांता, आखिर तू भी ऐसी हो गई ना, बहुत बोलती थी ना तू, तू भी मुझे कुबड़ी कुबड़ी, अब सारे लोग तुझे इसी नाम से बुलाया करेंगे। सुलोचना मुझे माफ कर दो, अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो सुलोचना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है, तुमसे विनती करता हूँ उसके कुबड़ को गायब कर दो। हाँ हाँ सुलोचना प्लीज कर दो, मुझे भी सुलोचना माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा किसी को नहीं कहूँगी। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है, कुछ ही दिन में तुम सब पहले जैसी वापस हो जाओगी, लेकिन अगर तुम फिर किसी को ऐसे कहती हो तो याद रखना, वापस तुम कुबड़ वाली ही बन जाओगी। इस तरह चुड़ैल गायब हो जाती है। जादुई सोने की गाय की दुनिया। पति के आकस्मिक मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ चुकी थी। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाती थी, पर अचानक उसकी गाय बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई और दूध देना भी बंद कर दिया, जिसे देखकर सुनीता रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, और कितने दुख दर्द देगा, भरी जवारी में तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, अब ये गाय मेरा आखिरी सहारा है, इसने भी दूध देना बंद कर दिया। गाय की बिगड़ी सेहत में सुधार लाने के लिए सुनीता बचे हुए आखिरी पैसे पशु चिकित्सक के यहाँ झोंक दिया, जिसके बाद उसके घर में घनघोर गरीबी का प्रकोप छा गया और खाने के भी लाले पड़ गए। सुनीता के बच्चे भूख से तड़प कर कहते हैं, माँ बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख से पेट में भी दर्द हो रहा है। बच्चों को भूख से छटपटाते देखकर सुनीता की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आता है और वो कहती है, तुम दोनों इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। उनकी भूख मिटाने के लिए सुनीता काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है और निराश होकर एक सुनसान सड़क किनारे से चलते हुए कहती है, अब मैं अपने भूखे बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगी। सुनीता ये कह रही थी कि सड़क के अंदर पड़ने वाले घने जंगल से जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही सुनकर वो कहती है, ये तो किसी गाय की गुहार लगती है, लगता है जंगल में कोई गाय गड्ढे में गिर गई है। सुनीता दौड़कर जंगल में जाती है, जहां उसकी नजर एक सोने की चमचमाती गाय पर पड़ती है जो जाले में बुरी तरह से जकड़ी होती है। सुनीता कहती है, हे नंदलाला, ये तो कोई जादुई गौमाता लगती है, किस कसाई ने इसको इतनी बेरहमी से जाले में टांग दिया है। मेरी मदद करो, मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ,
एक कसाई ने मेरे लिए ये जाल बिछा कर रखा था ताकि मैं इसमें फंस जाऊं। वो अपने साथियों को लेने गया हुआ है इससे पहले कि मैं इस दुनिया में रह जाऊं। मुझे इस जाल से बाहर निकालो। सुनीता पास पड़े एक नुकीले पत्थर से जाल को काट कर गाय को बाहर निकालने में सफल हो जाती है और जादुई गाय कहती है, मेरा नाम गोमती है, मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। उस कसाई ने मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मुझे इस जाल में जकड़ा था। तुमने मेरी सहायता की, अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। चलो मेरे साथ। जादुई गाय उसे एक दरवाजे के अंदर लेकर घुस जाती है जहाँ चारों तरफ सोने की खूब सारी गाय थी, जिसमें से कोई सोने की घास चर रही होती है तो कोई सोने का गोबर दे रही होती है तो कोई सोने का दूध। ये देखकर वो कहती है, अरे ये तो जादुई सोने की गाय की दुनिया लग रही है जहाँ चारों तरफ सोना ही सोना है। राधा धन्नो जरा यहाँ तो आना। गोमती कहाँ रह गई थी तुम? ये स्त्री कौन है जिसे तुम हमारी दुनिया में ले आई हो? मेरा जीवन इसकी देन है। पृथ्वी लोक पर कुछ कसाई शिकारियों ने मुझे जाल में कैद कर लिया था, इसी ने वक्त रहते मेरी जान बचा ली। शुक्रिया, तुमने हमारी सखी की जान बचा ली। ये जादुई सोने की गाय इंसानों की भी भाषा बोल सकते हैं। कहो हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरे घर की आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। मेरे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जादुई सुनहरी गाय राधा सोने की बाल्टी प्रकट करती है तो वहीं धन्नो गाय सोने की टोकरी प्रकट करते हुए कहती है, जैसे ही ये सोने की बाल्टी तुम मेरे थन के नीचे लगाओगे उसमें से सोने की दूध की धारा निकलेगी। ये सोने की टोकरी तुम मेरे पीछे लगा दो, मैं तुम्हें सोने का गोबर देती हूँ, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ। तीनों जादुई गाय उसे सोने का दूध गोबर और सिक्के देकर जरूरत से कहीं ज्यादा धन देती हैं और गोमती गाय कहती है, इससे न सिर्फ तुम्हारे बच्चों की भूख मिटेगी बल्कि तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगर भविष्य में तुम्हें फिर से हमारी आवश्यकता पड़े तो इस जादुई सोने की गाय की दुनिया के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। गायों से मिले सोने को इकट्ठा करके सुनीता उनकी दुनिया से बाहर निकलकर शाम के अंधेरे में अपने घर आती है जहां उसके बच्चे सो चुके थे और वो एक सोने के सिक्के को सुनार के यहाँ बेचकर मिले हुए पैसों से खाना खरीदकर घर आकर कहती है, राजू गुड़िया उठो, देखो मैं खाना ले आई हूँ। माँ तुम आ गई? माँ अपने हाथों से खिला दो। अच्छा ठीक है। खाना खाने के बाद उसके बच्चे कहते हैं, बस माँ पेट भर गया। माँ अब जोरों की नींद आ रही है। फिर सुनीता बच्चों को गोद में सुलाकर थपकियां लगाती हुई खुद से कहती है, ये उन जादुई सोने की गाय के सोने की बदौलत है जो आज मेरे बच्चे भोजन से तृप्त होकर चैन की नींद सो रहे हैं। कल मैं बचे हुए सारे सोने को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगी और अपनी गाय का इलाज भी कराऊंगी एक बड़े पशु चिकित्सक से। अगले दिन सुनीता अपने बच्चों के जागने से पहले सोने के गोबर सिक्के और दूध को सुनार के यहाँ बेच आती है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत मिलती है। उससे वो एक आलीशान घर खरीद कर अपनी गाय और बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगती है। एक दिन उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ हम तो इतने गरीब थे फिर इतना बड़ा घर आपको कहाँ से मिला? हाँ माँ बताओ ना, क्या आपको ये सब जादुई चिन्ह ने दिया? मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी परी लोग की परी ने दिया है, हमको भी वहाँ घुमाने ले चलो ना माँ। उनके जिद करने पर सुनीता उनकी खुशी को पूरा करने के लिए जंगल के अंतिम छोर से जादुई दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है और गाय के जादुई सोने की दुनिया को देखकर उसके बच्चे कहते हैं, अरे ये कैसी मायावी नगरी है जहाँ सोने की अनेकों चमचमाती गाय है। राजू मुझे तो ये सोने की गाय की जादुई दुनिया लग रही है, ये तो जिन्न के जादू से भी बड़ा है। तभी वहाँ की सभी गायों की नजर जैसी उन पर पड़ती है सभी झुंड बनाकर उनके पास आकर कहती है, अरे सुनीता तुम आ गई? ये तो हमारी तरह ही बोल सकती है।
माँ ये गाय बोल सकती हैं, तो हमारी लाली इनकी तरह अपनी बातें बोलकर क्यों नहीं समझाती, वो सिर्फ गुहार क्यों लगाती है? क्योंकि बच्चों वो एक साधारण गाय है और हम जादुई सोने की गाय हैं। आओ हम तुम्हें अपनी दुनिया का हर एक कोना दिखाते हैं। जादुई सुनहरी गाय उनको अपने ऊपर सवार करके पूरा गौलोक दिखाती है और कहती है, कैसी लगे तुम नन्हे शहजादों को हमारी दुनिया? आपकी दुनिया तो स्वर्ग जितनी सुंदर है। आपकी इस जादुई दुनिया में घूमकर मजा आ गया। चलो बच्चों, अब हमें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। फिर सुनीता अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आने लगती है, तब सोने की जादुई गाय कहती है, रुको सुनीता, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जादुई गाय फिर से उसे सोने का गोबर, सोने के सिक्के, सोने का दूध देकर अपनी दुनिया से विदा करती हुई बोलती है, इनका सदुपयोग करके तुम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना, क्योंकि इसके बाद तुम इस गोलोक दुनिया के द्वार में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाओगे। उनसे मिले धन को लेकर सुनीता बच्चों के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताने लगती है, और अब उसकी बीमार गाय भी मरियल से एकदम सही होकर पहले की तरह दूध देने लगती है। स्विमिंग सिखाने वाली सास बहू। नोरा और विक्की कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जहां नोरा दिल्ली में ही पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी, तो वहीं विक्की गोरखपुर से पढ़ाई पूरी करने आया था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई। दोनों शादी करके एक संग गांव लौट आए। गांव के सभी जन नौरा को एक टक निहार रहे थे। अरे मोरी मैया, ये तो सावरी का लल्ला है ना? की संग एक गोरी मैम कौन है? न तन पर पूरा कपड़ा है, न सर पर पल्लू। विक्की के पिता एक मामूली गरीब किसान थे, जो बटाईदार के तौर पर जमींदार के खेतों में काम किया करते थे। उनके घर का ढांचा एकदम पुराना जान पड़ रहा था। माँ, पिताजी कहाँ हैं आप? अरे विक्की, तो अचानक ना कोई चिट्ठी ना कोई खास खबर। नौरा झुककर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद देती है। अरे विक्की, ये माँ, पिताजी, ये आप दोनों की बहू और मेरी पत्नी है। भूल चूक की खातिर माफी चाहते हैं। आप हमसे उम्र, औदे और सोच में बहुत ऊपर हैं। हर माँ बाप की आस होती है कि वो अपने बेटे के सर पर सेहरा सजते हुए देखे। मेरे कारण आपकी आस टूट गई। अरे विक्की बेटा, तूने तो खरा सोना चुना है, मुझे मेरी बहू बहुत भाई। अरे विक्की के बापू, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या आपकी? इसका आधा अधूरा पहनावा देख पूरा गांव सौ बातें बनाएगा। अरे भगवान, इंसान पहनावे से नहीं बल्कि अपनी सोच से ऊंचा और नीचा होता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही खुद को आपके हिसाब से ढाल लूंगी। नौरा समझदारी से काम लेती है और गांव के तौर तरीके बखूबी सीख जाती है। एक रोज वो अपनी सास के संग गांव घूमने जाती है। माँ जी, वैसे तो इस गांव में सब कुछ मौजूद है, पर यहाँ कोई स्विमिंग पूल क्यों नहीं है? बहू, तेरी ये अंग्रेजी चोचलेबाजी मेरी समझ से बाहर है। नौरा की नजर गांव से सालों से सूखे पड़े हुए पोखर पर जाती है, फिर दोनों घर की ओर चली आती है। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, घर का कामकाज तो आधे पैर तक निपट जाता है, तो क्यों ना हम भी कुछ करें, जिससे चार पैसे आएंगे तो घर की छोटी मोटी जरूरत आसानी से पूरी हो सकेगी। बात तूने 100% की कही है बहू, लेकिन गांव देहात में हम करेंगे क्या? दोनों सास बहू चलकर गांव के मुखिया के पास आती हैं। मुखिया जी, मेरे पास गांव के विकास के लिए एक भली योजना है, जिससे आय के स्रोत कायम किए जा सकते हैं। अरे ये तो भली खबर है। मैं इस गांव में स्विमिंग पूल का निर्माण करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे पोखर में पानी भरने की मंजूरी चाहिए होगी। अगर ऐसा करने से गांव का भविष्य और ज्यादा सुनहरा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गांव के तमाम लोग आपस में मिलकर पोखर की साफ सफाई करके उसे पानी से भर देते हैं। अब आगे क्या करना है बहू? पिताजी, इसे स्विमिंग ट्यूब कहते हैं। आज हम सभी गाँव वाले एक साथ इस पूल का आनंद उठाएंगे और कल से इसे सैनानियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। न समझ आने पर सभी स्विमिंग ट्यूब में आराम से बैठ जाते हैं, जिसे देख नौरा का उत्साह कम होता दिखाई पड़ता है। सासू माँ, ये सभी जन तो एकदम शांत होकर बैठे हैं अब। अरे बहू, ये सब हमारे लिए एकदम नया सा है,
इसीलिए शायद गांव के लोग तैरना जानते हुए भी दुविधा में फंसे हैं। अब लगता है मुझे ही इनको तैराक बनकर इन्हें स्विमिंग सिखानी पड़ेगी। नौरा गांव के लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें स्विमिंग सिखाती है और सभी खूब मजा करते हैं। अगले रोज से वो सैलानियों के वहां आने की राह तकते हैं। बहू, तुझे लगता है कि साधारण स्विमिंग पूल लोगों को आकर्षित करेगा? माँ जी, किसी भी नए काम को जमने में समय लगता है, सब्र रखिए। अचानक नौरा को दो शहरी इंसान आते हुए दिखाई देते हैं। हाय, माय नेम इज अनुराग। अरे बुद्धू, हिंदी में बोल, ये गांव है। नो, इट्स टोटली फाइन। आप तो वेल एजुकेटेड है। एक्चुअली हम समर वेकेशन के लिए आए हैं। आप लोग तो बड़े थके से लग रहे हैं, क्या आप इस स्विमिंग पूल का आनंद उठाना चाहेंगे? दोनों हामी भरकर घंटे तक स्विमिंग पूल में नहाकर कहते हैं, फीलिंग ऑसम। स्विमिंग पूल में नहाकर एकदम फ्रेशनेस फील हो रही है। वो नौरा को थैंक यू बोलकर पैसे थमाकर चले जाते हैं और नौरा कहती है, ये हमारे स्विमिंग पूल की पहली कमाई है। हर दिन के साथ आसपास के गांव में रहने वाले लोगों में स्विमिंग पूल में नहाने की चाहत बढ़ती चली जाती है। अरे बहुरिया, तेरा ये तरकीब तो खूब रंग जमाया। कुछ दिन पहले स्विमिंग पूल में तैरने इक्के दुक्के लोग आते थे, अब तो सैकड़ों की गिनती में बदल गए हैं। इसीलिए तो माँ जी, अब से आप भी मेरी मदद करेंगी इन्हें स्विमिंग सिखाने में। दोनों सास बहु तैराक बनकर पूरा दिन लोगों को स्विमिंग सिखाया करती और पैसे बटोरा करती थी। माँ जी, अब हमारे पास इतना जमा हो चुका है पैसा कि हम एक बड़े स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर तैयार कर सके। माने की स्विमिंग पूल का नक्शा? जी सासू माँ। लेकिन जब इसी स्विमिंग पूल से काम निकल रहा है तो दूसरी जगह पैसा फूकने की क्या जरूरत है? सासू माँ, ये मेरे दिमाग की बड़ी सोच है। सोचिए, जब हमने एक पोखर को स्विमिंग पूल में बदलकर उससे इतना मुनाफा कमाया, तो फिर जब हम एक बड़े होटल की नींव रखेंगे तो कितनी ताबड़तोड़ कमाई होगी। दोनों सास बहु सरपंच के पास आती है। सरपंच जी, हम गांव के मैदान पर एक होटल बनाना चाहती हैं, ताकि शहर से आने वाले लोग वहाँ ठहर सके और स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाए। हाँ, इसे गांव में बड़ा बदलाव आएगा और जो फिरंगी या परदेसी गांव घूमने आएंगे वो औरों को भी यहाँ भेजेंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन गांव की जमीन तुम्हें देकर मुझे क्या फायदा? हम आपको जमीन की कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हमें थोड़े वक्त की मोहलत दीजिए। कुछ ही दिनों में कारीगरों के द्वारा अच्छे खासे होटल और बड़े से आकार के आकर्षित स्विमिंग पूल का निर्माण हो जाता है। समर वेकेशन के शुरुआत होते ही सैकड़ों लोग वहां रहने आते हैं। तभी एक अंग्रेजन कहती है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये तो एकदम कमाल है, ऐसे पिछड़े हुए गांव देहात में इतना खूबसूरत होटल, प्लस ये अट्रैक्टिव स्विमिंग पूल, वाओ। वैसे इस होटल का ओनर कौन है? एकदम आपकी नजरों के सामने खड़ी है। हमें 15 डेज के लिए होटल का कमरा चाहिए। नाइस टू मीट यू, प्लीज वेलकम। आर यू एजुकेटेड? जी, मैं इस गांव को नए सिरे से बदलाव देना चाहती हूँ। होटल और स्विमिंग पूल का मिनिमम पैकेज है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल यहाँ आना चाहे तो ये पैकेज कार्ड है। थोड़ी देर में होटल के तमाम गेस्ट स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने स्विमिंग पूल में तैरते हुए एंजॉय करते हैं। वक्त के साथ उनके गाँव में बना स्विमिंग पूल सुर्खियों में आ जाता है, उनका जीवन पटरी पर आने लगता है। फिर एक रोज, बस बहुत हुआ तुम्हारा, मैंने जरा सा छूट क्या दे दी, तुम सास बहु तो कटी पतंग की तरह हाथ से छूटे ही चली जा रही हो। सरपंच काका, ऐसा क्या हो गया? आप इतने गर्म मिजाज के क्यों लग रहे हैं? गंगा अभी इतना भी मैले नहीं हुई बहुरिया। शहर की आई छोकरियाँ छोकरे तुम्हारे बनाए स्विमिंग पूल के जरिए गाँव माँ गंद मचावत है, छोटा छोटा कपड़ा पहन के गांव का माहौल भी बिगाड़त है। ये किस तरह की अनूसी सोच में पड़ रही हैं आप और कहाँ जी रही हैं आप? जमाना कितना आगे बढ़ चुका है, शहर में ये आम बात है। और क्या खराबी थी उस स्विमिंग ड्रेस में? मैं जानती थी कि आप सबका नजरिया यही होगा, इसीलिए मैंने शुरू से फुल नेक तक की स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखी थी। लेकिन शायद आप सभी की सोच में खोट है, जिस कारण गाँव आज भी शहर से पिछड़ा हुआ है। नौरा की बातें सभी के जुबान पर ताला लगा देती है और सरपंच उसे स्विमिंग सिखाने के लिए दोबारा मंजूरी दे देता है। दोनों सास बहू जी तोड़ मेहनत करके लोगों को स्विमिंग सिखा कर कमाई पैसे से अपना बदहाल जीवन खुशहाल कर लेती हैं।
जिसके बाद सभी जन सास बहू के संघर्ष की जमकर सराहना करते हैं।